परिसंपत्ति होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परिसंपत्ति कौन सी है। तो जो प्रोडेंशियल नॉर्म्स है, परिसंपत्ति को हम बाद में जानेंगे, उसके पहले विवेकपूर्ण मापदंडों को क्यों अपनाया गया और इसमें कौन कौन सी चीज सम्मिलित है वो आपको जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आइडेंटिफिकेशन, आपको आय की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकम कर्व, तो आपका आय की पहचान पहली चीज आपको करनी है। इनकम रिकॉग्निशन, सॉरी, इनकम रिकॉग्निशन के बाद में आपको परिसंपत्तियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको